नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप जहाँ पर भी रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें। दोस्तों, हमारा देश भारत तरह तरह की वनस्पतियों से भरा हुआ है। हमारे देश में तरह तरह के पेड़ होते हैं, तरह तरह के फल होते हैं। इन फलों के अंदर कई तरह के विशेष गुण होते हैं जो कि हमें खाने से एनर्जी देते हैं। इसके अलावा इनका प्रयोग करके आप कई तरह की बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद ही है आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में, इन जड़ी बूटियों के बारे में सही से स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां पहुंचाना। तो इस जानकारी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दोस्तों केला के बारे में। केला का प्रयोग प्राचीन काल से ही चिकित्सा की दृष्टि से किया जाता रहा है। कई स्थानों पर आपने देखा होगा दोस्तों कि इसके जो पत्ते होते हैं, इसके पत्तों के ऊपर लोग भोजन भी करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इसके पत्तों के ऊपर भोजन करने से कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसके पत्तों के अंदर कई तरह के गुण होते हैं। इसके अलावा प्राचीन काल से ही इसके पत्तों का प्रयोग करके लोग कई तरह की बीमारियों को ठीक कर लिया करते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिससे दाद, खाज, खुजली को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ अन्य नुस्खे भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो केला आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसकी खेती अपने देश भारत में हर जगह पर किया जाता है। इसे हिंदी में केला कहते हैं, कदली कहते हैं, तो असम में इसे कोल कहते हैं, तो उड़िया में कोदोलो कहते हैं, तो उर्दू में केला ही कहते हैं, मलयालम में इसे वला कहते हैं, तो बंगाली में केला ही कहते हैं। इसके अलावा इसे इंग्लिश में बनाना ट्री कहते हैं। और दोस्तों, इसका सब्जी भी बनता है और इसका सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है, और इस कच्चे केले के खाने के बहुत सारे लाभ भी होते हैं। यह हमारे शरीर की दुर्बलता को मिटाता है, हमारे शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है। तो बात करें इसके फायदों की, तो उससे पहले अगर आपको यह जानकारी ज़रा सा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले फायदे की, तो यदि आपके नाक से बार बार खून आता है, नकसीर की समस्या है, तो दोस्तों इसके जो पत्ते आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसके पत्तों का रस निकाल करके एक से दो बूंद नाक में डालने से नकसीर रोग में बहुत जल्दी फायदा मिलता है। यह नकसीर रोग का एक बहुत ही आजमाया हुआ घरेलू उपाय है। अगर दोस्तों खाना पकाते समय गलती से कहीं पर हमारा हाथ जल जाए या फिर कोई सा भी अंग जल जाए, तो कच्चे केले के जो फल होते हैं उसको मसल करके वहाँ पर लगाने से लाभ मिलता है। जो कच्चा केला आप देख रहे हैं इस वीडियो के दौरान, या फिर पका केला हो, तो उसके छिलकों को आप निकाल दीजिए और अंदर का जो गुद्दा है उसे जहाँ पर जला हुआ है लगा करके मसलते हैं, तो जले हुए अंग से निजात मिलता है, जलन नहीं होता है, और जब यह बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी तो वहाँ पर किस तरह का निशान भी नहीं बनता है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि पके हुए केले को खाने से दुर्बलता मिलती है, इससे हमारे शरीर को ज़्यादा बल मिलता है। बात करें इसके जो सबसे मेन फायदा है, वह है दोस्तों दाद, खाज, खुजली में। इसके जो पत्ते होते हैं दोस्तों, इसके पत्तों के अंदर बहुत सारा ऐसा गुण होता है जो हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदा करता है। तो इसके जो पत्ते होते हैं, इनके पत्तों के ऊपर नारियल तेल मिला करके अगर आपको जांघों के ऊपर दाद, खाज, खुजली हुआ है, तो वहाँ पर बांधने से दाद, खाज, खुजली ठीक होता है। इसके अलावा आपको जो बाज़ार में पके हुए केले मिलते हैं, इस केले के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इस केले के जो गुद्दे होते हैं दोस्तों, इस गुद्दे को आप निकाल लीजिए, महीन कर लीजिए, और इसमें नींबू का रस मिला करके लगाते हैं दाद, खाज, खुजली पर, तो आपकी दाद, खाज, खुजली मिट जाती है। इसके साथ साथ आप चाहे तो आप यहाँ पर कच्चा केला के जो गुद्दे होते हैं उसे ले करके नींबू मिला करके लगा सकते हैं, इससे भी आपकी खुजली मिट जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे कच्चा केला के होने वाले कुछ फायदे बताए। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।